यस, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो आपके सामने है एंड दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मुझे कौन मीनिंग बताएगा? ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का बताओ जरा। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बता दो फटाफट, डेफिनेशन बता दो ऑस्मोसिस की। चलो यहां देखते हैं, है ना, आप लोग बोलो। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, लेकिन लो कंसंट्रेशन किसकी और हाई किसकी? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नहीं, लो कंसंट्रेशन किसकी? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तो अलग अलग हो गया, है ना, ये तो अलग अलग हो गया। यस, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं। आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन दिख रही है और आपके सामने मैंने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर में मैंने लगा दी एक एसपीएम। ठीक है, दिस इज एसपीएम। एसपीएम मीन्स व्हाट? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज द मीनिंग ऑफ एसपीएम, इट इज बिफोर यू। ये क्या होती है? स्पेशल तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसमें माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। ये देख लो, माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है? ये केवल दिस मेम्ब्रेन अलाउ पैसेज ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल। इट मीन सोलवेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ओके, कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इसमें से पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वो मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज नॉट फुल्ली परमिएबल, दिस इज सेमी परमिएबल। मींस परमिएबल फॉर सोलवेंट मॉलिक्यूल, नॉट फॉर सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, वो उसका वो वेजिटेबल ओरिजिन की भी हो सकती है, एनिमल ओरिजिन की भी हो सकती है। तो नेचुरल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो एक तो पिग्स ब्लेडर है, पिग्स ब्लेडर, और आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो आपके सेलोफेन है, पार्चमेंट पेपर है। ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड कुछ प्रेसिपिटेट्स भी है ना, जैसे आपके कॉपर फेरोसाइनाइड का कुछ प्रेसिपिटेट है, सिलिकेट ऑफ आयरन है, कोबाल्ट निकेल, ये भी ये क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम इसे लेंगे यूज, कहां पर यूज लेंगे इसे? हम ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है उसको समझने के लिए यूज लेंगे। आपके पास है कंटेनर, कंटेनर में हमने अप्लाई कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और अब हमने एक इधर एक लिक्विड फिल किया है, दैट इज प्योर, दैट इज प्योर सोलवेंट, दिस इज प्योर सोलवेंट, वॉट, दिस इज प्योर सोलवेंट। ओके, ये प्योर सोलवेंट है और यहां पर हम लोग प्योर सोलवेंट ले रहे हैं, वॉटर। ठीक है, इधर जो है हमने जो फिल किया है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये लो भाई, ये हमारा सोल्यूशन है किसका, NaCl का। ठीक है, ये हमने फिल किया है। अब कोई भी मुझे बताओ, सोलवेंट मॉलिक्यूल एक तो क्लियर है, देखो एक चीज ध्यान रखो, ऑस्मोसिस में केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, तो सोलवेंट मॉलिक्यूल यहां पर किधर से किधर आएंगे, प्योर सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ आएंगे या सोल्यूशन से प्योर सोलवेंट की तरफ जाएंगे, बताओ फटाफट फास्ट। बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे? एक तो चीज ध्यान रखना, केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर सकते हैं एसपीएम के थ्रू, किधर से किधर मूव करेंगे फटाफट बताओ, प्योर सोलवेंट टू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू प्योर सोलवेंट? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यस, प्योर सोलवेंट टू टू सॉल्यूशन। ये देखो, ये इधर से इधर जो H2O पार्टिकल्स हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल हैं, ये इधर से इधर मूव करेंगे। ठीक है, ये इधर से इधर मूव करेंगे और ये जो मूवमेंट होगा दैट वाज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। ठीक है ना, तो ऑस्मोसिस क्या है आपका, ऑस्मोसिस है आपका, इस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सोल्यूशन। बात समझ में आ गई?
प्योर सोलवेंट से सोल्यूशन की साइड में जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसका, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, थ्रू एसपीएम, वो है आपका ओस्मोसिस, दैट फिनोमेना इज नोन एज ओस्मोसिस। तो आपने ये तो समझ लिया कि ओस्मोसिस में प्योर सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कौन, सोलवेंट पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। अब देखते हैं भाई, ये जो प्योर सोलवेंट है इसे हम ये बोल सकते हैं क्या कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बताओ जरा, इसे लोग बोल सकते हो क्या ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बताओ। यस सर, बोल सकते हैं ना, ये सोलवेंट सोल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सोल्यूशन की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक चीज और ले लो भाई इधर, आपको आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, और इधर बोल सकते हो आप लोग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, एक ही बात है ना, बताओ जरा, देख लो तीनों चीजों को पहचान लो, आपने लिया प्योर सोलवेंट, उधर दूसरी पार्टी कौन है, सोल्यूशन, ओके, प्योर सोलवेंट टू सोल्यूशन। अब जो प्योर सोलवेंट है वहां पर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हम वहां पर सोल्यूट पार्टिकल एक्चुअल में है ही नहीं, है ना, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। ये सोल्यूशन की, केवल सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में यदि देखते हैं तो NaCl के साइड में उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वाटर के साइड में उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, और सोलवेंट की तरफ से यदि देखते हैं, ठीक है, तो प्योर सोलवेंट जिधर है उधर सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और जिधर सोल्यूशन है उधर प्योर सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन लो है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। यस सर, ओके। अब ओस्मोसिस को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देख लो, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स from spontaneous movement of solvent molecules from pure solvent to solution through SPM is known as osmosis, or dekho spontaneous movement of solvent molecules from low concentration of solution to high concentration of solution through SPM is known as osmosis, ek aur dekho spontaneous movement of solvent molecules from high concentration of solvent to low concentration of solvent through SPM is known as osmosis. तो osmosis की ये तीन definition है, आप लोग solvent molecules का movement कराना है, through SPM कराना है, pure solvent से solution की तरफ, low concentration of solution से high concentration of solution, या फिर high concentration of solvent से low concentration of solvent. ये चीज हुई clear definition. अब इसका मुझे कोई भी example दे दो भाई, example दे दो, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है इसकी, ओस्मोसिस की एग्जांपल दो, रियल लाइफ के एग्जांपल दे दो फटाफट। आप लोग पानी में किशमिश डालते हो ना, बताना जरा। यस सर, क्या होती है बता भी दो सर, भूल जाती है, स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाती है या फिर श्रिंक हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, ठीक है। आपने पानी में ग्रेप्स डाले हैं क्या, वो भी थोड़े से फूल जाते हैं, ठीक है, है ना, ये सारा ओस्मोसिस है। आप देखो जो क्या बोलते हैं, काफी सारे एग्जांपल ओस्मोसिस के, आप पिकल खरीदते हो ना, मैंगो पिकल आपने देखा है, जो मैंगो के पीसेज होते हैं वो किस तरह से सिमटे हुए से होते हैं, है ना, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं ना, वो ओस्मोसिस की वजह से होता है। आप देखो जो कोई भी वाइल्टेड फ्लावर है ना, आप कोई भी फ्रेश फूल यदि किसी प्लांट से तोड़ते हो और उसको घंटे दो घंटे यदि आप उसको छोड़ देते हो तो वो वाइल्टेड हो जाता है, थोड़ा सा मुरझा जाता है, आप उसको जैसे ही फ्रेश वाटर में रखोगे वापस वो रिवाइव हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, ओस्मोसिस हुआ, ठीक है। तो ओस्मोसिस के ढेर सारे एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में, आपको पता है ओस्मोसिस की वजह से ही जो जो ये होते हैं ना सब्जी वाले, वो उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं सब्जियों के ऊपर ताकि वो फ्रेश रहे, एक्चुअल में वो सोलवेंट मॉलिक्यूल है, वो उनके अंदर टाइम टू टाइम जाता रहेगा, जो इवापोरेशन से जो वाटर बाहर निकल रहा है वो उसकी कमी पूर्ति होती रहेगी। बात समझ में आई आपको, तो ओस्मोसिस के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल है क्या किसी के पास, बताना जरा, ओस्मोसिस का और कोई एग्जांपल है क्या? यस सर, सर जो लोग सर बहुत ज्यादा वो खाते हैं नमक सर, उनको प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, वो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, वो एग्जांपल नहीं है, साइड इफेक्ट है, चलो ठीक है। अब देखते हैं भाई कॉज ऑफ ओस्मोसिस, तो ओस्मोसिस का रीजन देखो बहुत सिंपल सा है, ये हमने लिया है सोलवेंट, अब देखो इसका रीजन आप ही बताओगे मुझे, और ये हमने लिया है सोल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ वेपर प्रेशर किस साइड ज्यादा होगा, सोलवेंट या सोल्यूशन, बता दो फटाफट फास्ट। सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट की टाइप ज्यादा होगा, सॉल्यूशन की तरफ तो कम होगा, हम यही तो सीखते आ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, कि सॉल्वेंट में जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, सरफेस पे सारे इसी के मॉलिक्यूल है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग टू द वेपर फेज वो ज्यादा है, इसलिए वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया भाई वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, और ये वेपर प्रेशर हो गया किसका, सॉल्यूशन का, बात सही है ना, और ये हो गया सॉल्वेंट का। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट वाला हमेशा ही ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर इसका मतलब सॉल्वेंट साइड में जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो सॉल्यूशन साइड में जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उससे ग्रेटर है, उसकी वजह से क्या हुआ, या जो एक्सेस प्रेशर है सॉल्वेंट साइड में, जो एक्सेस वेपर प्रेशर है उस वो प्रेशर इसकी सरफेस पे होने की वजह से उस प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम को क्रॉस करके सॉल्यूशन साइड में चले जाएंगे। जाहिर सी बात है ऊपर से प्रेशर लगेगा तो मॉलिक्यूल इधर का रास्ता लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो ये जो ऑस्मोसिस जो फिनोमिना है उसका बेसिक रीजन क्या है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, difference of vapor pressure in the side of solvent and solution, solvent और solution side में जो vapor pressure लगता है उसके difference की वजह से ऐसा होता है। हमेशा कभी भी solution से solvent की तरफ अपने आप spontaneous flow नहीं होगा solvent molecules का, समझ रहे हो आप लोग, solution से solvent कभी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट के साइड ज्यादा है, इसलिए वेपर प्रेशर जिधर ज्यादा है उधर उस साइड से ही मॉलिक्यूल मूव करेगा जिस साइड में वेपर प्रेशर लो है। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए ऑस्मोसिस का जो बेसिक जो कॉज है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स, वो वेपर इसका कॉज है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे साथ और क्या क्या है हमारे पास, ये लो हमारे पास कुछ है तो सही, ये लो भाई, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, ये भी हो गया, ये आपका कोज हो गया, एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम वहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, हम वहीं चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी, ये लो। अब एक चीज मुझे बताओ कि जब ये काम आपको इतना समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हो रहा है, सॉल्वेंट के साइड में प्रेशर ज्यादा है, यही बात है ना, यही कहानी है ना, ठीक है, सॉल्वेंट की साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो यदि हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई कर दें इधर, किधर, सॉल्यूशन की साइड में, ध्यान दो कर्सर को देखो, है ना, इसको हम लोग इंक्रीज कर दें इधर एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके कुछ, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी का प्रेशर लगा करके इधर प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो और कितना इंक्रीज करें, जितना कि ये वेपर प्रेशर इसका है, किसका, सॉल्वेंट का, जितना एक्सेस वेपर प्रेशर है उतना हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ले लेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, तब बताओ ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो पैसेज है, मूवमेंट है, वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बताना जरा। रुकेगा सर, यस, वो रुक जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि इधर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो टोटल 10 है, सपोज 10 है, ठीक है, और इधर जो नेचुरल स्टेट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 8 है, इसलिए 2 का डिफरेंस है, इसकी वजह से जब तक ये 2 का ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आते रहेंगे स्पॉन्टेनियसली, वो ऑस्मोसिस है। लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है कि ये कितना ज्यादा है, सॉल्वेंट साइड में 2 ज्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंसी से वो 2 प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब टोटल प्रेशर इधर कितना हो गया, बताना जरा कितना हुआ सॉल्यूशन साइड में, 10 हो गया, 8 तो ऑलरेडी है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, 2 हमने एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेकर के उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो टोटल वेपर प्रेशर अब कितना हो गया इधर, 10 हो गया, ठीक है, तो अब दोनों तरफ 10 हो गया, तो दोनों तरफ 10 होते ही प्रेशर का जो डिफरेंस था जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रहा था वो तो खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना बोल दो फटाफट। तो अब मुझे बताओ आपने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाया आपने, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से कितना प्रेशर अप्लाई किया आपने, 2, यही किया ना, 8 तो यहां पहले से था, इधर 10 था, आपने कितना अप्लाई किया, 2, ये आपने 2 अप्लाई किया, ये जो प्रेशर है
जो जो आपको ओस्मोसिस रोकने के लिए चाहिए इसे बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? दैट एक्स्ट्रा प्रेशर दैट वी नीड टू स्टॉप द ओस्मोसिस और दैट मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ओस्मोसिस दैट इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो जो है ये यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर है। बात समझ में आई? ठीक है, ये देखो ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और डेफिनेशन है आपकी यहाँ पर ये रहा द ओस्मोटिक प्रेशर पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं, ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर। ये देखो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एस ओस्मोसिस और टू stop the passage of solvent molecule through the SPM into the solution. बात समझ में आई? To prevent the osmosis, तो osmosis को रोकने के लिए जितना minimum extra pressure चाहिए, ये देखो, minimum extra pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. Solution side में हमें कितना extra pressure apply करना पड़ेगा osmosis को रोकने के लिए, वो आपका osmotic pressure है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा? यस सर। अब बताओ मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ओस्मोसिस है या ओस्मोटिक प्रेशर है? बताओ सर, ओस्मोटिक प्रेशर है। ओस्मोटिक प्रेशर है, ओस्मोसिस को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मत बता देना कभी। इसका मतलब ये हुआ कि ओस्मोटिक प्रेशर आपका डिपेंड करता है किस पे? इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी, उनके आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट बोल करके क्या है, अभी तक हम ये ले रहे थे सारी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी है उसमें सॉल्यूशन ले रहे थे हम लोग मोलेलिटी में। इज इट राइट और नॉट? यस सर। ये इसलिए ले रहे थे क्योंकि वहां पर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे थे। आपने देखा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बॉइल किया, फ्रीज किया, टेम्परेचर चेंज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे बताओ एक्सपेरिमेंट में? तो टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो मोलेरिटी पर तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इज इट पड़ता है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन मेथड आपको याद है, मोलेरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलेरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उस एरर से बचने के लिए वहां पर क्या यूज किया गया था, मोलेलिटी दोनों में। किसमें? एक तो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में वहां क्या यूज किया था, मोलेलिटी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास मार्जिन हमें मिल गया है और यहाँ पर वापस हम लोग कौन सा यूज ले रहे हैं, मोलेरिटी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन का मेथड। तो जो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर है दैट इज ओस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, इसको हम उधर ले लेते हैं अब, है ना? आप लोग भी फटाफट आ जाओ कॉपी के अंदर लिखते चलो। ओस्मोटिक प्रेशर का हम अब लोग ले लेते हैं ये 4 dilute solution, वही हमारी कैलकुलेशन। 4 dilute solution आपका जो ओस्मोटिक प्रेशर है पाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, टेम्परेचर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये सी क्या है, दैट इज मोलेरिटी। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आर, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है बताना जरा, बोलो भी। गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट जहां पर आ गया वहां न्यूमेरिकल्स में आपको पता है क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 8.8 होता है। यस, लेकिन वो कौन से यूनिट में होता है, इसकी यूनिट चेंज तो वैल्यू चेंज, आपको पता है क्या इस चीज का, इसकी यूनिट चेंज तो वैल्यू चेंज? बता भी दो यूनिट बताओ। आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन में ये आता है और गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो इसकी यूनिट पे डिपेंड करती है एक्चुअल में। तो इस चैप्टर में आपको जो इस पूरे चैप्टर में आर की जो वैल्यूज यूज होने वाली है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप उन पे स्पेशली याद रखना इनको, आर की वैल्यूज पे। आर इज इक्वल टू 2 calorie per Kelvin per mole, एक वैल्यू तो आपकी ये है। ठीक है, एक आपकी वैल्यू क्या है आर की, 0.082 liter atmospheric per Kelvin per mole। ठीक है, एक आपकी वैल्यू ये है, और जब बार में हो प्रेशर, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.083 liter bar per Kelvin
पर मोल। ये लो भाई, ये तीन वैल्यूज आपके इस पूरे चैप्टर में जहां भी आर की वैल्यू न्यूमेरिकल में अप्लाई होगी, इन तीन के अलावा फोर्थ वैल्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन तीनों को याद कर लेना, ठीक है? हो गया। स्पेशली आपके ये जो आर इससे पहले कहां आया, किसी को ध्यान है क्या? किसी को ध्यान नहीं है क्या? आर इससे पहले कहां आया? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का जो हमने रिलेशन लिया था डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के साथ में, उसमें आर की वैल्यू थी, आर था उसमें, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्या, बताना जरा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है? अब सी आपको पता है मोलरिटी है, तो सी की वैल्यू क्या होती है बताना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, होता है कि नहीं होता है बता दो? होता है, होता है। तो फिर यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं और हमने लिख दिया पाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू ले लेते हैं एन टू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर और ये हो गया आर टी, ठीक है? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी लिख तो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी, ठीक है? यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिक्स है ये, एन टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है? तो ये हो गया। अब आपको पता है, आप जानते ही हो कि एन टू यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, होता तो है ना, बता दो होता है कि नहीं होता? Yes, sir, होता है। तो अब इसको N2 की जगह रख देंगे हम लोग, तो हमें कोई इक्वेशन मिलेगी क्या? मिलनी तो चाहिए, मिलनी तो हमें चाहिए, देखते हैं कौन सी इक्वेशन मिलती है। N2 की वैल्यू रख दो भैया आप अब, ठीक है? तो N2 की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं N2 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू आपका डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर और ऊपर आपका हो गया आर टी। बात सही है क्या, बताना जरा, बात सही है क्या? इसको हमने कन्वर्ट किया है, एन टू की वैल्यू पुट की है, बता दो, इतना टाइम मत लगाओ। यस सर। ओके ओके ओके, अब तुम्हारे यस सर बोलते ही हमारा ओके काम हो गया और हमें फाइनली वैल्यू चाहिए एम टू की, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ जरा। तो ये हो गया हमारा पाई इंटू वॉल्यूम लीटर। तो ये फाइनली ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, नंबर टू और आपकी जो इक्वेशन है नंबर थ्री, ये तीनों इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। W2 का मतलब आप लोग लिख सकते हो गिवन मास किसका होगा बता दो, सेकंड क्या है, टू किसके लिए लिखते हैं, सोल्यूट के लिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है? इसी तरह से R आपका गैस कांस्टेंट है और पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? तो और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है? तो इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये मेथड था पूरा का पूरा किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है? आपको समझ में आया या इट वॉज ए बाउंसर? ओके यस वेरी गुड, ठीक है? तो अब हम आ गए यहाँ, कहाँ आ गए देखते हैं, कहाँ चल रहे हैं हम, यहाँ तो नहीं चल रहे कहीं, यस चल तो हम यही रहे हैं, ठीक है? ये लो भाई, अब आप कहोगे सर ये क्या है बोल करके, आरओ, आरओ का तो नाम आपने सुना ही होगा है ना, आपके घर में भी आरओ लगा हुआ होगा, तो आप पब्लिक जानती है, बोलती है मैंने आरओ लगवा लिया, हमारे आरओ सही काम नहीं कर रहा, हमारे आरओ को ये करना है, आरओ आरओ आरओ, आपने वाटर फिल्टर सुना होगा, ठीक है? तो ये बहुत आम बात है आरओ। अब आरओ का जो पब्लिक को तो देखो पता नहीं है, लेकिन आप लोग तो पढ़ते हो केमिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए, आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो आरओ यूज होता है ना, केंट का आरओ ले लो, उसका आरओ ले लो, ये सब आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब हम लोगों ने ऑस्मोसिस तो देख लिया, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ जाना, सोलवेंट से स्पॉन्टेनियसली मोलिक्यूल किसकी तरफ जा रहा है, सोल्यूशन की तरफ, सोलवेंट मोलिक्यूल ही जा रहा है केवल, ठीक है? वो है ऑस्मोसिस, ठीक है?
अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस है और वाटर प्यूरिफिकेशन, इसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस का वाटर प्यूरिफिकेशन से कोई लेना देना है क्या? हाँ है तो सही, कैसे? अभी बात करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलो आपके पास मान लेते हैं एक ये कंटेनर है, बहुत सारे कंट्रीज पता है क्या कर रही है, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक है इसको डीसेलिनेशन के लिए यूज कर रही है। डीसेलिनेशन मतलब जो आपका जो सी वाटर है ना उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो टेक्निक क्या है वो इधर देख लेते हैं। आपने मान लेते हैं यहाँ एक लिया सोल्यूशन, लिया यहाँ क्या लिया सोलवेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ स्पॉन्टेनियसली सोलवेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर आएंगे बताओ, वन से टू में आएंगे या टू से वन में आएंगे बताओ? वन से टू में आएंगे स्पॉन्टेनियसली, तो इधर से इधर आएंगे। लेकिन इससे आपका टारगेट क्या है? देखो आपका टारगेट है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सी वाटर आपने लिया है ना, ये सीधा ही सी वाटर ले लेते हैं हम लोग, ये लो, ये जो आपने सी वाटर लिया है आपका टारगेट है इसमें से प्योर वाटर निकालना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको प्योरीफाई करना, आपका टारगेट तो वो है, ठीक है। लेकिन यहां तो आपका टारगेट जो नेचुरल ऑस्मोसिस की टेंडेंसी है उसमें आपका टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसमें सोलवेंट मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपको तो ये तो उल्टा आपका पानी खराब हो रहा है। यदि आपका प्योर वाटर के मॉलिक्यूल सी वाटर में जाकर के मिल रहे हैं तो ये तो पानी खराब हो रहा है आपका। अब आपको क्या करना चाहिए बताओ, कैसे आप वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो सी वाटर से आप लोग इधर सॉल्वेंट की तरफ कैसे मेंटेन कर सकते हो, इसका कोई आइडिया है क्या? एस्टर सर अगर वहां पे सर, तो बहुत सिंपल सी बात है, यस यस यस, बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है ऑस्मोसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि ऑस्मोसिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस की उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और यदि इक्वल प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन की साइड अप्लाई कर देंगे तो हम लोग ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, और वो जो प्रेशर है मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अभी हमने मान लेते हैं अभी वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इधर 10 था इधर 8 था, स्टार्टिंग में हमने 2 लगा करके उसको रोक दिया, बात सही है क्या? यही था ना, बता दो। यस सर। ओके, अब देख लो भाई, आपको अभी तक तो इंटरेस्ट नहीं आया था, अब आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरली सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो उसको तो बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ हमने ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर था 2, ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 2 था, वो हमने 2 यहाँ पर अप्लाई किया तो ऑस्मोसिस रुक गया। अब यदि हम 2 की जगह 4 अप्लाई करेंगे तो इसका 12 नहीं हो जाएगा इधर सॉल्यूशन साइड में, बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये जो प्रेशर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गया ना, अब जो प्रेशर है ज्यादा किस तरफ है, सॉल्यूशन की साइड है, तो अब सॉल्वेंट की साइड का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताना जरा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल एजेंसी से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, बताओ, बोलो भाई, जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर दैट वाज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस 2 हमने क्या किया, उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, सॉल्यूशन से सी वाटर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब जो आपका सी वाटर लिया है आपने, जो सॉल्यूशन है बहुत सारे सॉल्ट्स का, ठीक है, तो जो सी वाटर लिया है वहां से प्योर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल किस साइड आएंगे, सॉल्वेंट के साइड, तो हो गया ना प्योरिफिकेशन, आपका प्योरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है, वो हुआ प्योरिफिकेशन। तो ये हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमारा नॉलेज था उसको हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करके हमने रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस कराया, जिसकी वजह से आपका जो सी वाटर था जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सुटेबल नहीं था, इसमें से हमने प्योर वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसे बोलते हैं डीसेलिनेशन। कई सारी कंट्री जैसा कर रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस से पोर्टेबल वाटर जो है वो बना रही है, ठीक है। तो ये है पूरी टेक्निक रिवर्स ऑस्मोसिस की, हमने जो नेचुरल टेंडेंसी है ऑस्मोसिस की उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, जब ऑस्मोसिस कब होता है, जब आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर से सोल्ट में, सोल्ट वाटर में
H2O मॉलिक्यूल आते रहेंगे, ऑस्मोसिस होता रहेगा। कब? जब आपका P एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। जब आपका P एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है तो वो हो जाएगा नो ऑस्मोसिस, उस सिचुएशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। जब आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर जो है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उससे ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो जाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये फिगर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया। अभी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जाम्पल में कितना था, एग्जाम्पल में कितना था ऑस्मोटिक प्रेशर, 2, ठीक है, है ना। तो इफ यदि हमने 2 से ज्यादा अप्लाई कर दिया, 4 अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में मॉलिक्यूल मूव करने लग जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, और आप सोल्ट वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ इनटेक करते रहें तो उससे क्या होगा, प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर फ्रेश वाटर की तरफ आते जाएंगे, ये उसका आउटलेट है। और यही टेक्निक आपके आरओ में, जो आपके घर में आरओ लगा हुआ है उसमें भी यही है, मेम्ब्रेन होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, ठीक है। और पूरा मैकेनिज्म मशीन इस तरह की होती है कि जो कंपार्टमेंट होता है आपका, जो इनलेट वाला जो वाटर वाला चैम्बर होता है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, प्योर वाटर जिससे बाहर निकलता है। और वो जो मेम्ब्रेन होता है उसकी लाइफ भी है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद में आरओ खराब हो जाता है या उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, हम मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक बोलता है इसकी मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी, इसकी मेम्ब्रेन खराब हो गई, वो मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। यस सर। अब आपके एक्सप्लेनेशन है, देखो भाई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो और आपको ये NaCl का जो वो चढ़ाते हैं ना, सेलाइन वाटर का ड्रिप लगाते हैं ना, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रिप ऑफ सलाइन वाटर, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका बेसिकली क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, 0.91 होता है मास बाई वॉल्यूम। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ब्लड सेल्स का जो लिक्विड होता है ना, ब्लड सेल्स का जो लिक्विड होता है, ब्लड जो होता है ब्लड, है ना, उसमें भी यही जो ब्लड सेल्स है उसमें जो लिक्विड फ्लूड होता है उसका भी यही सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसकी वजह से न ऑस्मोसिस, न रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और न ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, है ना। तो इसलिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का जो सेलाइन वाटर है वो यूज लेते हैं सेलाइन ड्रिप के लिए, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन ब्लड के लिए क्या होता है, ह्यूमन ब्लड के लिए आइसोटोनिक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही है जितना ब्लड का है, इससे ज्यादा या कम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ऑस्मोसिस की वजह से देखो भाई, इडेमा एक मेडिकल सिचुएशन कौन सी है, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, खाना बनने के बाद भी जब भी खाने बैठते हैं उसमें और नमक डालते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी सेल्स होती है, उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और उनकी जो स्किन होती है वो पफी